जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम भगवद गीता के श्लोकों का गहन विश्लेषण और सरल अर्थ प्रस्तुत करते हैं। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के 28वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जिसमें अर्जुन का भावनात्मक संघर्ष और मानसिक अशांति प्रकट होती है। अध्याय 1 श्लोक 28 में अर्जुन, जो एक महान योद्धा है, युद्ध भूमि पर खड़े होकर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखता है। इस दृश्य से उसके मन में शंका, दुख और मोह उत्पन्न होता है। वह भावनाओं में इतना उलझ जाता है कि युद्ध करने की क्षमता खोने लगता है। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितं सीदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। इस श्लोक में अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, इस युद्ध के लिए एकत्र हुए अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। यह अर्जुन की मानसिक स्थिति का एक स्पष्ट चित्रण है, जहां वह युद्ध के प्रति अपनी नैतिक और भावनात्मक दुविधाओं से जूझ रहा है। वह अपने स्वजनों, बंधुओं और गुरुओं को युद्ध के मैदान में खड़ा देखता है और उसके मन में यह विचार आता है कि इस युद्ध से कुछ भी हासिल करना व्यर्थ है अगर इसमें उसके अपने लोग मारे जाएंगे। स्वजनम दृष्ट्वा, अर्जुन अपने परिवार और प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखता है और यह दृश्य उसकी आत्मा को हिला देता है। गात्राणि सीदंती, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, यह अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संघर्ष का प्रतीक है। वह इतनी गहरी पीड़ा में है कि उसके शरीर की शक्ति घट रही है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख रहा है, यह उसकी मानसिक और भावनात्मक अशांति को दर्शाता है। अर्जुन का मन युद्ध से पहले ही हार मान चुका है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में जब भी हम किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं, तो हमारी भावनाएं और संबंध हमें निर्णय लेने में बाधा पहुंचा सकते हैं। अर्जुन की तरह हम भी अपने जीवन के युद्धों में अपने प्रियजनों और अपने कर्तव्यों के बीच फंस सकते हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए। भगवद गीता का यह श्लोक हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने का महत्व सिखाता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अर्जुन का यह संघर्ष केवल उसका नहीं है, यह हम सभी का संघर्ष है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना होता है। ऐसे समय में भगवद गीता हमें सही मार्ग दिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी श्लोकों का सार जान सकें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।